सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
वराह रूपने शिवे नारायणे नमस्ते नृसिंह रूपे लोके नोतमे हे लोके प्राण चैते नारायणे नमस्ते कीर्तिनि महावज्र सहस्र नयन ज्वले वृत्त प्राण हरे चंद्रे नारायणे नमस्ते शिव ज्योति स्वरूपे नहत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमस्ते दृष्टा कराल भदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंद मदने नारायणी नमस्ते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्ते वेदे सरस्वती परे भूति भाव पितामहे नीरते त्वंबसि देशे नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते दैवहस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनं त्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्ते ज्वालाकरालमत्युग्रं महेशासुरोदनम् त्रिशूलं पातु नोर्भीतिर्भद्रकाली नमस्ते हिनसि जत्तेजांसि स्वनेनापूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुदानिव असुराभिश्वसङ्कचर्चितस्य करो ज्वः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नृताभयम् रोगानशेषानपहाश्चतुष्टा रुष्टा दुःखमान सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया शेतां प्रयान्ति एतत्कृतं यात् तदनं द्वजाद्य धर्मदुषां देवि महासुराणाम् रूपैरनेकैरबहुधात्वमूर्तिं कृत्वाम्बिकेता प्रकृतिकान्या विद्यासु शास्त्रेषु भुवे कदीपे स्वाधेषु वाक्येषु जगात्तदन्या मम स्वघर्तेति महान्धकारे निभ्रामयते देव विश्वम् रक्षांसि जत्रोग्रविशाचलागा जत्रारिहोदस्य बलानि यत्र दावानलोचत्र तदाब्धिमध्ये तत्रादिभागा परिपाशि विश्वम् विश्वेश्वरीत्वम् परिपाशि विश्वम् विश्वात्रिकातारिहसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशयाये त्वय्वक्तिनम्रः देवी पतितपरिपालयोगभीते नित्यं यदा सुरभगा धनुमेव दद्या पापानि सर्वजगता प्रशमन्यासु उत्पादपाकजनितार्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रतिदत्तं देवी विश्वादिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीडे लोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं सुरगणा बलं जन्म यजत त्वं प्रणत्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचु सर्वाभाता प्रशमनन्ते लोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्यो वाच देवस्यन्तरे पाते अन्ताभिञ्चति मे युगे शुम्भो निशुम्भसेवाणाम् उत्पाद्यते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवः ततः सौनाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरप्यतिरोधेन रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्यहनिष्यामि व्यपचित्ता सुदानवान् भक्षयन्ता चुतानुग्रां व्यपचित्ता महासुरान् रक्षादन्ता भविष्यन्ति ताणि मे कृतमोपमा
ततो मां देवतः स्वर्गे मध्यलोके च मानवा सुभन्तो भविष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयाश्चतुर्भाषिकामनाभिष्टामनामपते मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि जोनिया तथा शतेन नेत्राणां निरीक्षामि यन्मुने कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षेमिति मातरः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवे भविष्यामि सुराशाकेयाभीष्टे प्राणदारिके शासंभरीति विख्यातं तथा यस्याम्यहं भवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाज्ञा महासुरम् दुर्गाधिवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं जगा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां दानकारणात् तथा मा मुनिरा सर्वे शोषन्त्यानं प्रमोदयः भीमां देवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाख्यस्य लोके महाभागं करिष्यति तदाहं भ्रमरं रूपं कृत्वा शङ्के जलफलं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोका तदा शोषन्ति सर्वतः इत्थं जगा यदा वादाभूता भविष्यति तदा तदा वदीयाहं करिष्याम्यरि संशयाम् संकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुफा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धान की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है। वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विद्युन्धाम समप्रभा मृगपदे सन्द
दूरा देव पराजन्ते सुमृत चरितं मम। ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा भगवते चन्द्रिका चन्द्र विक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्त विहत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारा यदा पुरा यज्ञवागृहा सर्वे चक्रो विनिहतार्यः यद्याच्यते शुम्भे देवरिपो यदि जगद्विध्वंसने तस्मै महोग्रेतुर्विक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययो एवं भगवती देवी सादित्यापि पुनः पुनः शम्भूय कुरुदेवोप जगतः परिपालनम् त्वयि कर्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा जाचिता च विज्ञानं तुष्टा हृद्यं प्रयच्छति व्याप्तं सकलं ब्रह्माण्डमनयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेव सृष्टेर्वर्चया श्रीङ्करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले जिनां सेवालक्ष्मी वृद्धिपदाग्रे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धाभिस्तदा ददाति वित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतेषु वा। ॐ सिद्धकुञ्जिकस्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्र प्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् नाकोचं नरगला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नाभिधानं च नान्यासो न च वाचनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठं फलं भवेत् अधिगुह्यतरं देवी सेवा नामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनीयम पार्वते मारणं मोहनं वश स्तम्भनो चारणादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ नैं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्लूं हूं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वाल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वल हंसं लं शङ्ख स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते रुद्रवर्धने नमः केतवहारिणे नमस्ते महिषासने नमस्ते शुभहन्ते च निशुम्भादुर्गादिने जागृतहि महादेवे शवं सिद्धं करोष्यमे हृङ्कारे दृष्टिरूपाय हृङ्कारे प्रतिपालिका हृङ्कारे कामरूपिणे बीजरूपे नमस्तु ते चामुण्डा चण्डकादि च एकारि वरदायिनि विद्ये च वैधानित्य नमस्ते मन्त्ररूपिणि दां ध्रीं धुं दुर्गे वर्णि भां भीं भुं वागदेश्वरि ह्रां क्रीं क्रों कालिका देवि शां श्रीं सुमे शुभं करो हुं हुं हुङ्काररूपिण्ये जं 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 भराधने ब्रां भीं भुं भैरवे वज्रे भवानि ते नमो नमः अङ्कं चं कं कं भं यं शं विद्धो हैभिं अं शं द्रियाग्रं द्रियाग्रं त्रोटे त्रोटे दिव्यं कुरु कुरु स्वाहा पां भीं भुं पार्वते पुनः सां खे घ्रों खे चलि तथा सां से सों सप्तशति देव्या मन्त्रसिद्धिं करोष्य मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागृति हेतवे अभक्तेनैव दासव्यं गोपि संरक्ष्य पार्वते यस्तु कुञ्जिकया देवि हीनां सप्तशतीं भवेत् न तस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनं यथा। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके देवस्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्रपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी ग्राहि दुर्गे नमस्ते
नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे नमस्ते जगत्तारिणी ग्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य दुर्धनागरस्य भरातस्य भीतस्य भद्रस्य जन्तुः त्वमेका गतिर्ते विनिस्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणी ग्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले जङ्गले राजगे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणी ग्राहि दुर्गे अपारे महाधोषले दन्तघोरे विपत्सागरे वज्रकाम्ये हवादम् त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणी ग्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डतोरन्दनिन्दा समुत्कण्डिता गन्धराजेषु शत्रु त्वमेका गतिर्विष्णुदन्दोहसि नमस्ते जगत्तारिणी ग्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिराधर्यवादि अनेकाखिला क्रोदनाक्रोदरिषा मना जनारे नमस्ते जगत्तारिणी ग्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे विमनाजे सदा दयावसिद्धे प्रदाते स्वरूपे विभूते सदा कालरात्रे स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी ग्राहि दुर्गे शरणमति सुराणां सिद्धविद्यासराणां मुनिधनुजपराणां ध्यानविहीनपीडितानां नेपदे गृहगतानां दर्शविस्थासितानां त्वमधि शरणमेका देवि दुर्गे प्रभेद श्री भगवते स्तोत्र दया भगवति देवि नमो वरदे जय पाव Thank you.
सचियं ज्योतं वली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे धर्मारे की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों को वरदान दो। सभी भक्तजन जो है माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में माँ से प्रार्थना करें, माँ से प्रार्थना करते हुए ओम का पाठ करें। जन साधक जन अपने दुखों को दूर करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए इस माँ जगजन्य के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हम भक्तों के कष्टों को, हम भक्तों के दुखों को दूर कर करके सब ओर से हम भक्तों की रक्षा करें, हम सबका आप कल्याण करें, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हे देवी हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार। भक्ति में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। देवताओं पर भी जब संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो सब देवगण भी जो है भगवती की शरणक धोकर के इसी माँ की भक्ति करते हैं। जब करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए, किसी तरह से माँ हमारे अनुकूल हो जाए, हम पर प्रसन्न हो जाए, उसकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए, उसका आशीर्वाद हमें मिल जाए, तो हमारा जीवन जो है वह कल्याणमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि ये भगवती जो है माँ दुर्गा, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, ये दुखों का नाश करने वाली है और सुखों को देने वाली है। कभी जीवन का कष्ट, कभी विपत्ति आए तो कभी जो है भयभीत मत होइए, खूब भक्ति करें, क्योंकि भक्ति एक ऐसा पुण्य है जिससे दुखों का नाश होता है। और भक्ति रूपी ऐसी पूंजी है, ऐसा धन है, वह इस लोक में कल्याण करते हैं और लोक में भी वे कल्याण को प्राप्त होते हैं। कि ये धन जो है, भक्ति रूपी धन जो है, जो हमेशा ये जीव के साथ साथ चलता है। संसारिक धन जो है ये यहीं पर रह जाता है, ये यहीं पर सुख दे सकता है आपको, चाहे वह संतान सुख है यहीं मिलेगा, माता पिता ही जो संयोग मिलते हैं, भाई बहनों के संयोग होते हैं, परिवार मिलता है, वो देवी की कृपा से। बाकी जो सुख दुख है ये सभी कर्मों का फल होता है। अच्छे कर्म किए हैं पूर्व जन्म के जो है इस जन्म में, वो ही हमारा भाग्य कहलाते हैं। कई बार साधक जो है बड़ी साधना करता है, भक्ति भी करता है, परंतु उसके दुख दूर होते नहीं। बस सोचते हैं मैं अच्छा काम भी करता हूँ, भगवान की आराधना करता हूँ, देवी के नाम का जप करता हूँ, तो भी जो है मेरा कष्ट दूर नहीं हो रहा है।
देखिए कभी भी हतोत्साहित मत होइए। जितनी भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, उससे पूर्व जन्म के पाप जो हैं वह नष्ट होते हैं। जब पूर्व जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तो आगे फिर सुख आना शुरू हो जाता है, कष्ट होना जो है कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जो जान लेना चाहिए, हमारे कोई पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं जिनका अभी तक जो है वह उनकी समाप्ति नहीं हुई है, जिस कारण से अभी हम कष्ट में हैं, और ज्यादा भक्ति करें। कहते हैं कि एक बार एक पंडित जी थे, विद्वान थे, उनके घर जो है कन्या रूपी धन था, घर में दरिद्रता थी। अब बच्ची जो बड़ी हुई, सियाणी हुई, तो वह चिंता करने लगे इनका विवाह, इनका जो है पालन पोषण कैसे होगा। चिंतित हुए, मन विचार आया मैं भगवती की आराधना करूं, माँ की उपासना करूं। तो कहते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा जो है माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उपासना की, बड़ी उपासना की, परंतु कुछ हुआ नहीं। अंत में अब बच्चे बड़े हो गए तो हार करके उसने घर का परित्याग किया, परिवार का परित्याग किया और जंगल में चला गया। और जंगल में जाकर के विचार करने लगा कि इतनी भक्ति की, माँ की अब तक कृपा नहीं हुई, कारण क्या है। कहते वही वन में जो उसने चिता बना ली, लकड़ी इकट्ठी की और कहा अब मैं अपना परित्याग कर दूंगा। जैसे चिता बनाता है, आग लगाता है, उसे प्रवेश करने के लिए जैसे उद्यत होता है, तो सामने से माँ गायत्री देवी प्रकट होगी। बोले सच्चे दरबार की जय। माँ ने रोक लिया, माँ के दर्शन हो गए और कहा कि भक्तराज मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं, भरम रोही तुम्हारी जो इच्छा हम उससे वरदान प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहिए। उसने कहा पंडित जी ने, माँ जब मुझे जरूरत थी और मैं आपको पुकारता रहा, आपकी साधना करता रहा, तब तो तू आई नहीं, और अब जब मैं अपने आप को समाप्त कर रहा हूँ, अब मुझे कहती हो कि भर मांगो, मैंने घर परिवार का त्याग कर दिया, अब वन में आ गया हूँ, अब सोच रहा हूँ कि जो निर्णय कर लिया है अपने आप को समाप्त कर दूँ। माँ ने कहा है कि तेरी भक्ति जो है अद्भुत थी, इसमें कोई संशय नहीं, अद्भुत भक्ति थी, लेकिन तेरे पूर्व जन्म के इतने पाप थे और पाप बढ़ते बढ़ते जो है वह सात पहाड़ बन चुके थे। माँ ने उसके सिर पे हाथ रखा, दिव्य दृष्टि दी और कहा कि पीछे मुड़ करके देखो, कहते कि सात पहाड़ जो है वे जल रहे थे, ये तुम्हारे पाप थे, इतने पाप थे, जब तक तेरे पाप समाप्त नहीं होते तो मैं कैसे आती, मेरे लिए रास्ता सुलभ कैसे होता। तो मंत्र जब से भगवती की साधना से जो है पाप जो है वशीभूत होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती, जीवन सुखी हो जाते हैं। माँ ने आशीर्वाद दिया, माँ की कृपा से उस भक्त के सब कार्य सिद्ध हुए, आगे चल के सब प्रकार की उन्होंने रिद्धि सिद्धि प्राप्त की और माँ की भक्ति करते हुए वह परम कल्याण को प्राप्त हो, परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोले सच्चे दरबार की जय। इसलिए कभी जो है घबराना नहीं चाहिए जीवन में, माँ के शरणागत होकर के माँ के प्रतिदिन प्रातः काल सायंकाल जोर जगाएं, माँ के पास बैठे अपने हृदय की बातें माँ को सुनाए, माँ से बातें करें, कोई प्रश्न है माँ से पूछे, आपको अंतकरण में ही प्रेरणा मिलेगी, जो कष्ट दुख है कैसे दूर हो सकता है, अंदर से प्रेरणा मिलेगी और अद्भुत चमत्कार होगा जीवन में, ये कार्य जो है असंभव था, ये कैसे संभव हुआ। इसलिए जब माँ की अनुकूलता प्राप्त होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है, जब जय भगवती प्रतिकूल हो जाती है तब जो है संभव भी असंभव हो जाता है। इसलिए भक्तजन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। आज इस समय बसंत के नवरात्र चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा था कि देवताओं पर भी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं। जिस समय माँ सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपना देह त्याग दिया और उसके उपरांत जो भगवान शिव जो थे वह समाधि से हो गए, सती ने तो अपना देह त्याग दिया और भगवान शिव भी समाधि से हो गए। उसी समय जो है एक तारक नाम का असुर था,
तारकासुर। मैं उस समय ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था और उसका जो संकल्प था कि देवताओं पर विजय प्राप्त करना, सभी देवताओं त्रिलोक पर राज्य करना, ऐसा उसका संकल्प था। बड़ी घोर तपस्या की उसने और उसकी तपस्या से, उसकी आराधना से ब्रह्मा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के साक्षात ब्रह्मा ने दर्शन दिए और ब्रह्मा ने कहा, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, आपके जो इच्छा हो मुझसे वरदान प्राप्त कर सकते हो, जो चाहते हो। तो उसने कहा, मेरी मृत्यु ना हो, मुझे कुछ युद्ध में पराजित न कर सके, कोई भी देव देवता मुझे मार ना सके। ब्रह्मा ने कहा, देखो सबका समय निश्चित है, जिसका जन्म है उसका मरण भी निश्चित है, जहां तक जो है मैं ब्रह्मा जो है, जीवित समय आने पर जो है हमें भी जहां से जाना पड़ता है, सबका समय निर्धारित है, इसलिए सोच विचार करके जो है आप वरदान मांगी जिसे मैं आपको दे सकूं। तब जो है वह तारकासुर जो था वह जानता था कि सती ने अपना देह त्याग दिए हैं और भगवान शिव जो है बस समाधि हो चुके हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो फिर मुझे ये वरदान दीजिए कि भगवान शिव का और पुत्र जो है वो ही मुझे मार सकता है, दूसरा कोई नहीं। और ब्रह्मा ने भी झट से कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा, भगवान शिव का पुत्र ही जो है वही जो है आपका वध करेगा, आपको युद्ध में पराजित करेगा। वरदान प्राप्त कर लिया, वरदान प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, वह चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब जो है वह तारकासुर जो था इतना ठहाका लगा करके वह हंसने लगा कि मैंने ब्रह्मा को ठग लिया, ब्रह्मा को ही ठग लिया कि उसको पता नहीं कि सती ने देह त्याग दिया है, वो तो है ही नहीं, और भगवान शिव समाधि से है तो उनका पुत्र होगा कहां से, और मुझे मार कौन सकता है, अब तो देवताओं की खैर नहीं, देवताओं को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वरदान प्राप्त कर लिया, ऐसा आशीर्वाद मिल गया, शक्ति संपन्न हो गया, अब शक्ति का दुर्भोग। और जब जब व्यक्ति जो शक्ति संपन्न होता है, शक्ति कितनी भक्ति करके तप करके जो प्राप्त होती है, परंतु वह बुद्धि को मलिन करने वाले भी वही है, किसका कैसे विनाश करना है वह भगवती महामाया जानती है, ये त्रिकोण त्रिगुण महामाया जो है, महामाया जो है इसकी द्वारा ही सारा जग जब मोहित किया गया है, व्यक्ति जानता है सब कुछ जो है, ये जो हम ये मोह कर रहे हैं, ये दिन रात लगे हुए धन संपत्ति इकट्ठे करने के लिए, ये हमारे साथ जाने वाली नहीं है, संसार में जो कुछ मिला हुआ है, जहां तक ये शरीर जो है हमें मिला हुआ है और मिली हुई वस्तु जो है ये अपनी नहीं है, चाहे धन संपत्ति है, चाहे परिवार है, जो भी शक्तियां आपको जो कुछ यहां से मिला है संसार से, वह सब नाशवाने है, जो आपके साथ जाने वाला सब जानते हैं। तो भी दिन रात और रात्र जो है उस भगवती महामाया के द्वारा मोहित होकर के उसी मोह में पड़े हुए हैं, और इसी की कृपा से जब ज्ञान होता है तो मनुष्य को वैराग्य होता है कि हाँ ये जो है मैं तो मिथ्या ऐसे लगा हुआ हूँ, उसकी कृपा से जो मिल रहा है उससे मुझे संतोष करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, ये भक्ति ही जो है यही मेरा कल्याण करने वाली है, अच्छे काम जो है, शुभ कर्म जो है, यही जो है ये पुण्य को बढ़ाते हैं, कल्याण करते हैं, जब कुछ किया ही नहीं तो मिलेगा क्या, बैंक में पैसा जमा करवाया ही नहीं, आप चले जाइए मैनेजर साहब के पास, महाराज मुझे भी धन दीजिए, कोई नहीं देगा कि तुम्हारा यहां खाता ही नहीं, बिल्कुल साफ है, तो बाहर निकालेंगे कैसे देंगे तुझे धन जो है, जब जमा करवाया नहीं, इसी प्रकार से धर्म कर्म जब किया ही नहीं तो जो है कहां से वहां होगा कुछ नहीं, तो मिलेगा कैसे। आप देख रहे मां का दरबार किस प्रकार से इसको सजाया गया, वह भी भक्त है, दिल खोल करके जे भी उसकी कृपा, क्योंकि उसकी कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, धन बहुत लोगों के पास होता है पर तो लगाना बड़ा कठिन होता है, और आ जाए और प्राप्त हो जाए, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं धन संपत्ति का, और कई बार जब रेट पड़ती है तब पता चलता है, और समय रहते हुए और ये एक ऐसा स्थान है मां के दरबार में जितना लगाते जाओगे उतना पुण्य की वृद्धि होगी, और जितना चाहोगे झोली फैला करके मां से प्राप्त कर लो,
यही उस भक्त का अनुभव है, जिसका अनुभव है ये ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां पर तो ना इनकम टैक्स वालों की कोई चिंता है, किसी प्रकार की चिंता लगाते जाओ, जब चाहिए झोली फुलाओ मां देती है। जेक विश्वास है, अद्भुत विश्वास, और विश्वास से ही बेड़ा पार होता है। अब जो है ब्रह्मा को ठग लिया तारकासुर ने, और ऐसा हंसने लगा कि ब्रह्मा को मूर्ख बना दिया। अब जो है शक्ति संपन्न होकर के उसका दुर्भोज किया, और तीनों लोकों में जो है त्राही त्राही मचा दी, सभी देवताओं को जो है पराजित कर करके स्वर्ग लोक से निकाल दिया। सभी देवगण जो थे वह परेशान हुए, ऐसा दुख आ गया कि ब्रह्मा ने ऐसा वरदान दे दिया, अब इसे मारेगा कौन? सती तो उसने तो देह त्याग दिया और भगवान शिव समाधि से, कहां से उनका पुत्र होगा? और हम संकट में है, विपत्ति में है, कहां जाए, क्या करें? जब तक आदमी को सुख होता है तब परमात्मा का ध्यान आता भी नहीं, दुख आते हैं व्यक्ति उपाय ढूंढता है, कहीं किसी बड़े व्यक्ति के पास जाए, किसी संत महात्मा के पास जाए, कोई हमें उपाय बतलाए कि जिसके करने से हमारा दुख दूर हो सके। सभी देवगण इकट्ठे हुए और भगवान विष्णु के पास गए, और जाकर के उन्होंने उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु कहा कि बतलाइए बात क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा है जो तारकासुर जो है इससे हम दुखी हैं, ब्रह्मा ने वरदान दिया इसको कौन मार सकता है अब, और ऐसा वरदान दिया है, अब भगवान शिव जो है समाधि से, सती है नहीं, पुत्र होगा कहाँ से, और जो तारकासुर तो हमें छोड़ेगा नहीं, इतना शक्तिशाली है हमको मारता है, दुख देता है, और तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी, इतना आतंक जो था, और किसी भी चीज अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज जब अति होती है, भोजन ही ज्यादा खा लें तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, हर चीज एक मर्यादा में है, धन अधिक हो जाएगा, धन भी मर्यादा में होना चाहिए, जितनी जरूरत है आपको, बच्चों को ज्ञानवान बनाइए, जो विद्या का ज्ञान देते हैं उन बच्चों को काबुल बनाते हैं, अच्छे संस्कार दीजिए, यही असली धन है। पैसा इकट्ठा करने के लिए जरूरत नहीं है बच्चों के लिए, बच्चे आपके काबुल होंगे तो धन अपने आप पीछे दौड़ेगा, पुत्र एक पुत्र होगा नलायक होगा तो ये आपका इकट्ठा किया हुआ भी उजाड़ेगा, रखो मत, जितनी जरूरत है उतना रखो, बाकी धर्म कर्म करते रहो अपने हाथों से, पीछे वो करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वही होता है जो अपने हाथों से आप करते हैं। आज सभी देवगण जो थे भगवान विष्णु जब प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने कहा देखो वह भगवती शिवा जो है कहीं सोई नहीं है, वह भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष है, उसका जब स्मरण करो जब ध्यान करो वह जो है रक्षा करती है, कष्ट दूर करती है, दुखों का नाश करती है, सब ओर से मंगल कर देती है, जब अनुकूल होती है प्रसन्न होती है, कहीं ना कहीं हमसे कोई त्रुटि हुई है, कोई भूल हुई है, और वही दंड जो है माने दिए है, आज सारा राज्य सुच्युत हो चुके हो, राज्य चला गया, दुख में आ गए और देवतों का राज्य हो गया, जो परेशानी पैदा हुई है, और इस दुख को दूर करने के लिए एकमात्र जो है माँ भगवती की शरण है, क्योंकि माँ एक ऐसी है जिसमें क्षमा करने और सहन करने की शक्ति होती है, कहीं ना कहीं पुत्र से अपराध होते रहते हैं, हमसे कोई अपराध हुआ है उसी कारण से माँ ने हमारी उपेक्षा की है, हमें उसके शरणागत होकर के सब मिलकर के हिमालय पर जाकर के उस भगवती की आराधना करें, माँ को प्रसन्न करें। कहते हैं उस समय से भी देवगण इकट्ठे हुए हिमालय पर चले गए और वहां जाकर के माया बीज का जप करने लगे, माँ से प्रार्थना करने लगे, माँ की स्तुति करने लगे, बहुत समय तक जो है हिमालय पर जो है देवताओं ने भगवती की आराधना की, माया बीज का जो है जप किया, और फिर माँ प्रसन्न हुई देवतों पर। कहते जिस स्थान पर हिमालय पर बैठ करके सभी देवगण जो भगवती की साधना कर रहे थे, उनके बीच में ही एक तेज प्रकट हुआ, सभी देवों के नेत्र जो थे बंद हो गए, और थोड़ी देर के उपरांत धीरे धीरे जब उन्होंने नेत्र खोले तो सामने देखा कि माँ भगवती विराजमान है। अब माँ के साक्षात दर्शन हुए, इससे बड़ी बात और क्या होती है, माँ का दर्शन कितनी खुशी होती है, अद्भुत प्रसन्नता हुई कि माँ का दर्शन हो गए, सभी देवगण जो है माँ के चरण दंडवत प्रणाम किया,
फिर सभी खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके मां की उन्होंने स्तुति की। तब मां ने कहा, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग सकते, बताइए क्या कारण है, किस कारण से मुझे आपने मेरा स्मरण किया है, मुझे याद किया। मैं तो सबके लिए जो है कल वृक्ष हूं, इस भवसागर से पार उतारने वाली एक नौका हूं, बतलाइए आपका क्या कष्ट है। तो उन्होंने कहा, मां तारका सूर्य है हमारे दुख का कारण है, हमें निकाल दिया उसने, बड़ा दुखी कर दिया है, अब कौन उसको मारे। ब्रह्मा ने वरदान दिया है और जो है शिव समाधि में है और सती ने देह त्याग दिया है, कैसे मारा, अब कैसे कल्याण होगा, ये आप ही कर सकती है। तब मां ने कहा, देवता देखो मेरी शक्ति जो है हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न होगी, जो गौरी के नाम से प्रसिद्ध होगी, पार्वती के नाम से, उमा के नाम से, अपर्णा के नाम से, शैलपुत्री के नाम से, जो पहला स्वरूप भगवती का शैलपुत्री का है। सती ने जब देह त्याग था फिर हिमालय के घर में पुत्र के रूप उत्पन्न हुई थी, वह मेरी शक्ति जो है वहां पर हिमालय के घर में उत्पन्न होगी, आप प्रजनन करके उसके साथ भगवान शिव का विवाह करवा दीजिए, उनका जो पुत्र होगा वह होगा कार्तिकेय। स्कंद भगवान शक्तिधर जिसके नाम है और वही जो है देवताओं का आप सबका सेनापति होगा और उसी के हाथों तारकासुर का वध होगा और आपको इस दुख से कष्ट से मुक्ति मिलेगी। बोलो सच्चे की जय। तो मां ने देवताओं को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद मां हिमालय के घर में पुत्री गुण उत्पन्न हुई जिसका विवाह जो भगवान शिव के साथ हुआ और उनका जो पुत्र हुआ वह कार्तिकेय हुआ और कार्तिकेय जो है वह देवता के समय सेनापति हुए, युद्ध हुआ और तारकासुर जो था वह कार्तिकेय के द्वारा जो है वह मारा गया और देवता पर आया हुआ संकट जो था ये देवी की कृपा से मां के आशीर्वाद से उस संकट से विपत्ति से उन्हें मुक्ति मिली। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब मां अनुकूल होती है तो ही जो है सब प्रकार के रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, प्रतिकूल होती है, प्रतिकूल क्या है, हमारा समय खराब, कहीं ना कहीं हमारे कोई पाप कर्म है, उनको ठीक करने के लिए ही भगवती की आराधना है, मां भगवती के मंत्र है। जब माया बीज का उन्होंने जप किया उसे सिद्धि प्राप्त हुई, मां प्रसन्न हुई, अनुकूलता प्राप्त हुई, सभी कष्ट जो है दूर हो गई। आज जो है यह चैत्र बसंती नवरात्र का पंचम नवरात्र है और पांच स्वरूप जो है मां भगवती का स्कंद माता का है। स्कंद भगवान जी कार्तिकी है जो मां ने अपनी गोदी में जो है इसे ले रखा है, एक हाथ से, दो हाथों में कमल पुष्प है, एक हाथ भर मुद्रा में ऐसा स्वरूप है और सिंह के ऊपर विराजमान है। जे पद्मासना कमल के फूल पर भी जो है कमल पर भी जो है विराजमान रहते हैं, इसलिए इसको पद्मासना भी कहा गया है। इसका उपासक जो है क्योंकि ये सूर्य लोक में निवास करने वाली जे भगवती जो है जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें अद्भुत तेज की प्राप्ति होती है, अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है, उनका मनोबल जो बढ़ता है, उनका पराक्रम जो बढ़ता है और कभी अपने जीवन में पराजित नहीं होते। इसलिए आज का दिन जो बड़ा विशेष दिन है और विशेष करके उन सैनिकों के लिए जो इस समय जो है हमारी सेना जो है जो बॉर्डर पर जो तैनात है, जिनकी भय से हम सभी सुरक्षित हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करने का आज का दिन है कि मां भगवती स्कंद माता से प्रार्थना करें, मां भगवती वह सैनिक चाहे वह सीआरपी के लोग हैं, चाहे वह बीएसएफ के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, जो अन्य जूही हैं, सिविल पुलिस हैं, सभी जो हैं जिस देश की रक्षा के लिए जो जो भी अग्रसर है तैनात हैं, जय भगवती स्कंद माता जो है उन्हें शक्ति प्रदान करें, बल पराक्रम प्रदान करें और शत्रु पर उन्हें विजय दिलाएं, कहीं उनकी पराजय नहीं हो, ऐसी आप उनके लिए जो कामना करें। आज विशेष दिन है जे प्रार्थना करने का और जे भगवती आपके प्रज्ञाओं के भक्तों की जे जगजननी विशेष प्रार्थना कर जो सुनती है, क्योंकि जो हृदयेश्वरी सब भक्तों के हृदय में विराजमान होती है, जे सारा जग सारा संसार जो है उस भगवती के अधीन है, जे भगवती जो है जे भक्त के अधीन है, भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि उसे आना पड़ता है। मैंने प्रातःकाल श्रीधर भक्त की ये कथा सुनाई थी किस प्रकार से माने कृपा की और जो है
माँ ने जो है ऐसा वरदान उसे दिया, कैसी कृपा उसने की, क्योंकि जी क्या था भक्ति का फल। और आज उसकी कीर्ति उसका यश जो है इस संसार में अटल है। और जिन पर माँ की कृपा हो जाती है, जब तक जो सृष्टि जे सूर्य जे चंद्रमा गतिमान रहते हैं, तब तक उनका वंश जो है इस सृष्टि पर चलता रहता है, कभी विनाश नहीं होता उनका। जे फल होता है भक्ति का, इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि भगवती के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करें। पंचम नवरात्र के शुभ अवसर पर आप सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और भगवती की ओर से सबको वर्धापन आशीर्वाद। भगवती आप सबका मंगल करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी भजन के बेला निवेदन कर रहा हूँ विजय कुमार जी से, माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त से कीर्तन से योग दिन से मिलकर बोलना ताली बजाते हैं श्री विजय कुमार जी। जय करा शेरा वाली सच्चे दरबार की जय। मां तेरी जोत जगावा, मां तेरे बारे बारे जमा, हे मां तेरी जोत जगा, मां तेरे बारे बारे जावा, तेरी जोत जगा, मां तेरे बारे बारे जावा, मां तेरी जोत जगा, मां तेरे बारे बारे जावा, मैनू रखी सदा चरणां दे अंग संग मां, रखी सदा चरणां दे अंग संग मां, मैनू भी रंग दे तू लाल रंग 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 मां, ओ मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मां, मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मां, मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मां, मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मां। अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरण में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर से विचार करें, आपके झोलिए भरे, आपके मर्यादे पूरे करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ओ तेरे रंगा दे मैया रंग ही ने आरे ने, मेरा जो होवे तू मलखा पापी तारे ने, मलखा पापी तारे ने, मलखा पापी तारे, लखा पापी तारे ने, लखा पापी तारे ने, ओ तेरे रंगा दे मैया रंग ही ने आरे ने, मेरा जो होवे तू मत पापी लखा तारे ने, पापी लखा तारे ने, तू लखी लखा तारे ने, पापी लखा तारे ने, तू पापी लखा तारे ने, तेरी मेहर हो जावे तेरा रंग चढ़ जावे, तेरी मेहर हो जावे तेरा रंग तेरी मेहर हो जावे तेरा रंग चढ़ जावे, मेहर हो जावे तेरा रंग चढ़ जावे, मेरे दिल वाली पूरी कर दे उमंग मां, दिल वाली पूरी कर दे उमंग मां, मैनू भी मैनू भी मैनू भी मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मां, मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मां, मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मां, रंग ओ तेरी जोत जगावा तेरे वारे वारे जावा, मैं तेरी जोत जगावा तेरे वारे वारे जावा, ओ तेरी जोत जगावा तेरे वारे वारे जावा, तेरी जोत जगावा तेरे वारे वारे जावा, ओ मैनू रखी सदा चरणां दे अंग संग मां, रखी सदा चरणां दे अंग संग मां, मैनू भी मैनू भी मैनू भी रंग दे तू लाल रंग, तू लाल रंग मां, मैनू भी रंग दे
दूरों दूरों आंदे लोकी रंग चढ़वाउन आशा ते मुरादा मैया तेरे कोलू पाउनू रंग चढ़वाउन आशा ते मुरादा मैया तेरे कोलू पाउनू सारे पौंदे न मुराद कोई जावे ना नाराद ओ सारे पौंदे न मुराद कोई जावे ना नाराद दर आया सारे भगतां दा रखे लंगमा आया दर भगतां दा रखे लंगमा मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मा 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 ओ मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मा मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मा मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मा सारे लोकी आखते ने मादे दर जाई तू दुखा दी कहानी जाके मैया नू सुनाई तू सारे लोकी आखते ने मादे दर जाई तू दुखा दी कहानी जाके मैया नू सुनाई तू तू प्यार दा खजाना तेनू जान दा जमाना ओ मां तू प्यार दा खजाना सारा जान दा जमाना ओ मैनू मस्ती च रंग कर दे मलंग मा मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मा मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मां तेरी जोत जगावा तेरी जोत जगावा तेरे बारे बारे जावा मां तेरी जोत जगावा तेरे बारे बारे जावा रखी सदा चरणा दे अंग संग मां ओ रखी सदा चरणा दे अंग संग मां मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मां मैनू भी रंग दे तू लाल रंग मां मैनू भी रंग दे तू लाल रंग 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 जयकारा श्री राम वाली दा दरबार की जय जयकारा श्री राम वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा काम हो रहा है माँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है कृपा से
से सब काम हो सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। कुछ भी अब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है, आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ कामिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ कामिल, तेरा प्यार कैसे सब काम हो रहा है, मेरा सब काम
अब काम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा है। जयकारा शिरोमणि जी का बोल, सच्चे दरबार की जय। जयकारा मेरी शिरोमणि मैया जी का बोल, सच्चे दरबार की जय। ये सच्चा दरबार यहाँ से खाली न कोई जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुराद, झोली जो फैलाएगा। ये सच्चा दरबार यहाँ से खाली न कोई जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुराद, झोली जो फैलाएगा। ये सच्चा दरबार यहाँ से खाली न कोई जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुराद, झोली जो फैलाएगा। सच्चा दरबार यहाँ से खाली न कोई जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुराद, झोली जो फैलाएगा। सच्चा दरबार यहाँ से खाली न कोई जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुराद, झोली जो मन से मैल हटा दोगे जब तब माँ का दर्शन होगा, मन से मैल हटा दोगे जब तब माँ का दर्शन होगा, मन से मैल हटा दोगे जब तब माँ का दर्शन होगा, मन से मैल हटा दोगे जब तब माँ का दर्शन होगा। इस दर का जो बना भिखारी वो न कभी निर्धन होगा, वो न कभी निर्धन होगा, वो न कभी निर्धन होगा। माँ की नजर पड़े तो कंकर, 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 ही हीरा बन जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुराद, झोली जो फैलाएगा। माँ की नजर पड़े तो बन जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुराद, झोली जो फैलाएगा। ये सच्चा दरबार शक्ति रूप में मैया बैठी हर पल इसको याद करो, शक्ति रूप में मैया बैठी हर पल उसको याद करो, शक्ति रूप में मैया बैठी हर पल इसको याद करो, शक्ति रूप में मैया बैठी हर पल उसको याद करो। मुश्किल मंजिल आशा होगी तुम दिल से फरियाद करो, और तुम दिल से फरियाद करो, तुम दिल से फरियाद करो। जो बन जाए चाकर दर का, 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 वो राजा कहलाएगा, बिन मांगे मिलती है मुराद, झोली जो फैलाएगा। जो बन जाए चाकर दर का, वो राजा
सायकाल की आरती में ही माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेषतया आज वसांतिक नवरात्रों के शुभ अवसर पर पंचम नवरात्र में जो है इस भगवती जगजननी के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का ये यज्ञ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की भक्ति जो है सदा सर्वदा आपके हृदय में बनी रही और माँ वैष्णो देवी इसी तरह से प्रसन्नता पूर्वक अपने दरबार में आपको बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रही और माँ के आशीर्वाद से आपकी समस्त मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण हो और भगवती अंग संग आपकी रक्षा करें, आपके दीर्घायु करें, हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपके कारोबार में वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल ही मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरे नारायणे नमस्ते। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी उन भक्तों को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव
संतते भान भव शिरमान शस्वे भव प्रज्ञा भान भव भूर भूत चरणे धाने कनिष्ठ भव तेजस्वी भव भैरी गर्भ जलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पूजनत है सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संत मनोर्थ शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तु शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यम माविधाते दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना तारी जाते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी हरता सुख
भक्तम पति करता ओम जय अम्बे गौरी पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया अगर कपूर बादी माल के तुम राजत ओ श्री माल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वामी मनवाचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी भैया जी को निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी सचिया ज्योत भले माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय प्रेम से बोलो जय माता दी संगल बोलो जय माता दी 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 दरबार की जय सभी भक्तियों भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करेंगे समझ कर बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें जय माता दी Thank you.
ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਦੀ ਆਪਕੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮੈਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭੀ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਮੇਂ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਮੇਂ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾ ਜੇ ਜੈਕਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਆਪਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜਬ ਆਪ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਤੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਸੇ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਔਰ ਗੱਜ ਕੇ
आज नवरात्रे चल रहे हैं, जैसे आप सभी जहां पर बैठे हैं सुबह आचार्य जी ने आपको सभी को बताया, शास्त्री जी ने आपको सभी को अच्छे अच्छे प्रवचन अच्छी अच्छी भेंटें सुनाई। आज भगवती माता रानी जी का ना स्कंद माता जी के रूप के दर्शन है। आप सभी जानते हैं, लेकिन माता रानी जी के नौ रूपों में सारे रूप अच्छे हैं, लेकिन ये वाला रूप जो है ना माता रानी का बहुत अच्छा लगता है। वो दिल में ऐसे ना दिल मां को जब देखो आप, माता रानी जी की मूर्ति देखो, स्कंद माता जी की मूर्ति देखो, दर्शन करो माता रानी जी के उस रूप के, तो वो बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी गोदी में उनके लाल भगवान स्कंद जी कार्तिकेय जी बैठे हुए। आज मां से मैं यही प्रार्थना करता हूं, उन शादीशुदा बहनों के लिए कि हे जगत जननी माता रानी जी, जिन शादीशुदा बहनों की गोदें सुनी हैं, जोलियां सुनी हैं, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जैसे आपकी गोदी में लाल खेल रहे हैं, उनकी गोदी में भी मां उनका अंश उनका वंश खेले। वो जगत जननी माता रानी जी, आज का दिन मैं उन सभी के लिए मां से प्रार्थना करता हूं। और यकीन मानिए, आप जहां भी हैं, जहां बैठे हैं, अपने घर में हैं, जब आपको मौका मिले आप मां के पास आइए, जहां जे समझिए जो वो आपको बुलावा भेजेगी तब आप आएंगे, लेकिन सच्चे मन से सच्चे हृदय से मां का ध्यान करते हुए आज प्रार्थना करना, वो जिद करके मां से मांगना कि मां आपने सभी की झोलियां भरी हुई हैं, हमारी झोली सुनी क्यों? मेरा विश्वास है उनकी झोलियां माता रानी खुशियों से भरेगी। उसके बाद जिनके घरों में माता रानी ने पूरे आशीर्वाद दिया हुआ है, उनके वंश आगे चल रहे हैं, उनके लिए भी आज मैं माता रानी जी से विशेष प्रार्थना करता, क्योंकि ये माता रानी जी का रूप जो है उनकी झोली में लाल तो है, लेकिन बहुत वीर पुरुष लाल हैं, भगवान जिन्होंने सब देवताओं को युद्ध में जिताया था। तो उनसे जे प्रार्थना करता हूं मां, जे जो सबको आपने अपने अपने घरों में आशीर्वाद दिया है, सब बच्चे खूब उन्नति पाए, मां बाप के आज्ञाकारी बने, हमारे देश का भविष्य उज्जवल बनाए। जगत जननी माता रानी जी, आप ऐसी विशेष कृपा करना कि बच्चों को सद्बुद्धि देना, तरक्की देना, मान देना, जश देना, और हमेशा अपना वरद हस्त का हाथ आप सब पर और आप सबके परिवार पर, पूरे कुटुंब पर, पूरे भारतवर्ष पर और पूरे ब्रह्मांड पर मां आपका ये वरद हस्त रहे, ये कृपा रहे, ये रूप मां ऐसा मन करता है कि इस रूप को ना दिल में ऐसे पालकी की तरह बैठा ले। सभी रूप अच्छे हैं, लेकिन ये रूप में ऐसे पूर्णता ऐसे जब उनकी झोली में लाल देखते हैं तो मां सबकी गोदियों में लाल गोपाल खेले। किसी की गोदी जो है ना सूनी मत रखना, आप अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, आपकी कभी गोदी जो है ना सूनी नहीं रहेगी। और जगत जननी माता रानी, जिन बहनों के अभी वर नहीं मिल रहे उनके लिए भी विशेष आशीर्वाद, उनको भी अच्छे अच्छे उनके सपने पूरे करने वाले राजकुमार दीजिए। आज नवरात्रे हैं, जगत जननी उन बहनों के लिए, क्योंकि मां बाप की यही इच्छा होती है कि बेटी जो है अपने घर में जाए, तो जगत जननी आपसे आज यही प्रार्थना है कि सब बच्चियों को जो
शादी शुदा योग्य हो चुकी हैं माँ, उनके लिए भी ऐसा ही जैसे आपकी गोदी में कार्तिकेय जी स्कंद भगवान बैठे हुए, ऐसे ही बल पुरुष, ऐसे ही मान और जश वाले, सपने पूरे करने वाला राजकुमार उनके लिए भी भेजना। ये नवरात्रों का जगत जननी माता रानी हमारे पूरे भारत वर्ष के लिए ये तोहफा होएगा जगत जननी। और आप सबके साथ मां को दिल में बैठाने के साथ सभी देर हो रही है, लेकिन मां के साथ ये दिन जो है न जी पर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। माँ के इन रूपों को जो अंदर बैठी है आपका इंतजार कर रही है, जैसे आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रही है। आप जब जाओगे प्रार्थना करना उनसे, दिल बाली पाल कीच तैनु माँ बिठाना है, दिल बाली पाल कीच तैनु माँ बिठाना है, चल मेरे नाल तैनु कर लेके जाना है, चल मेरे नाल तैनु कर लेके जाना, दिल वाली पाल की। वो आपकी दिल वाली पालकी में जरूर बैठेगी, आपके साथ जाएगी भी। आप वैसे ही कर्म करना, जैसे एक माँ के अच्छे लाल बच्चे जो करते हैं, आप वैसे ही कर्म। और अपने हाथ जो हैं, अपनी रेखाएं जो हैं, आज इस प्रार्थना के साथ मेरे हाथों दे बीच खाली मां लकीरा ने, मेरे हाथों दे बिच खाली मां लकीरा ने, तेरे हाथों दे बिच सब दिया तकदीरा ने, तेरे हाथों दे बिच सब दिया तकदीरा ने, सुत्या नसीबानू सुत्यान सी बानू मां आज मैं जगाना है, सुत्यान सी बानू मां आज मैं जगाना है, चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है, चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना। माता रानी जैसे घर की माँ बच्चों को ठग लेती है, बात मान लेती है, लेकिन बस बच्चों को जैसे बोलती है तू जे खा ले जे कर ले तुझे दूंगी, माँ ऐसा मत करना। आप जो वायदा करोगे जो आशीर्वाद दोगे वो पूरा करना आप करते हो, लेकिन आज माँ हमसे ना रूठना ना हमने आपसे रूठना। बच्चियां दे नाल दाती रुसना नी चाहिदा, बच्चियां दे नाल दाती रुसना नी चाहिदा, अपने प्यारियां नू लारा नहीं उलाईदा, अपने प्यारियां नू लारा नहीं उलाईदा, कौन जाने दाती असा रहना है के जाना है, कौन जाने दाती असा रहना है के जाना है, चल मेरे नाल तेनू चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है। इस आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें, आप सबकी अच्छी अच्छी मनोकामनाएं पूरी करें। और जगत जननी माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी और बहुत सारी खुशियों के साथ
फिर से बुलाएं। अभी आपने जकारा बोल दिया, मेरी वाला मोशन तोड़ दिया। अब सभी गज के ऐसे पूरा बीच में और पूरे जोश के साथ और लंबी जयकार, ऐसे जैसे हवा से लहराता हुआ मां से आशीर्वाद लेता हुआ जयकारा। मालूम तो चले आपने बोला क्या, फंसे हुए नहीं बोला, दिल से आवाज से हर एक सांस से होता हुआ जय मां की आवाज लेता हुआ ऐसा जयकारा पूरे देश में होना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। आशीर्वाद जय माता दी, जय माता।